नपुंसकता जानते हो किसे कहते हैं? अच्छे काम में न लगना, उत्साह का चला जाना, आलस्य रहना, प्रमाद रहना, पुरुषार्थ न करना। नपुंसकता का अर्थ भैया बहुत व्यापक है, इनफर्टिलिटी। बच्चे ही नहीं हो रहे हमारे तो, क्यों नहीं हो रहे भैया? करो ना, डेमोग्राफिक चेंजेस जिस ढंग से हो रही हैं, क्या होगा? मैं पिछले दिनों विदेश में था और वहां बता रहे थे इंग्लैंड में कुछ लोग कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस यहां होने वाली हैं या हो गई हैं या पूरे यूरोप में पता नहीं क्या होगा हमारे इस यूरोप का और इंग्लैंड का, वहां के लोग हमें बता रहे थे। वो भी संतानें हो हमारी, उत्तम कोटि की हो, सभ्य हो, शिष्ट हो, संस्कारवान हो, हमारी संख्या बढ़े भाई धरती पर। हम अच्छे लोग हैं, आर्य हैं हम, आर्यों का विस्तार होना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों का, हम वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का। मेरे शब्दों को गलत तरह से मत ले जाना, इस धरती पर हिंदू बढ़े और हिंदू जगे इस संसार को बचाने के लिए, क्योंकि वो अहिंसक है, परदारा मात्रवत वो दूसरों की स्त्री को मां मानता है, वो अहिंसक नहीं है। धरती पर हिंदू बढ़ना चाहिए, इस संख्या के बल का अर्थ है कि धरती पर, धरती को निरामयता दो, निरापदता दो, स्वास्थ्य दो, धरती को सौंदर्य दो। ये वृक्षों की पूजा करने वाला है हिंदू, कहां काटता है? पशुओं को, गौचारण का व्रत लिया भगवान ने, गौ दधि गौ घृत उसका तक्र। अगर पंचगव्य कहीं आपके हाथ लग जाए तो मनोन्माद शांत करता है पंचगव्य, कि गाय का दूध कितना, दधि कितना, घृत कितना, मूत्र और रज कितनी, उसकी मात्रा है। बछड़ी का ही मूत्र लिया जाता है गाय में, जब गाय के मूत्र की चर्चा होती है तो ध्यान रखना गाय का मूत्र नहीं लिया जाता, नहीं नहीं, जो माँ नहीं बनी है उस गाय की बछड़ी का मूत्र लिया जाता है, गाय का नहीं, बछड़ी का, जो माँ बनी ही नहीं है अभी तक। कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि हमको ये नहीं पता, अनुपात का नहीं पता, नहीं, पंचगव्य में मूत्र किसका लें? बछड़ी का। गोबर किसका लें? बछड़ी का। फिर उसमें भी भेद है, ताम्र वर्णा है, गौर वर्णा है, विद्युत वर्णा है, श्यामा है, उनकी मात्राएं हैं, वो लिखा हुआ है कि श्यामा गौ का दूध हो, विद्युत वर्णा, ताम्र वर्णा, गौर वर्णा, शुभ्रा, श्यामला, इन गौओं के घृत किसका लें, दधि किसकी लें, दूध किसका लें, मूत्र बछड़ी का लें और गोबर, और उनके फिर प्रयोग हैं। उसका पंचगव्य बनाकर अगर आप लें तो मनोन्माद शांत होगा, स्मृति लोप हो रहा है वो शांत होगा। बहुत सी बीमारियां हैं नाना प्रकार की, अल्जाइमर है, या कि ये भूलने की दुनिया भर की बीमारियां, डिमेंशिया, कि ये भूल रहे हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, अब दुनिया भर की बीमारियां, डिप्रेशन है, और उसको एक तरह की तो है नहीं, उसमें फिर डॉक्टर ही बताते हैं कौन सी वाली है, सिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, क्या है।